हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। एज यू ऑल नो, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बिफोर आई गोइंग टू दैट टॉपिक, आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ दिस सेल। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सेल्स के बारे में बताया था। क्या होती है सेल? इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम उसकी शेप, साइज एंड फंक्शंस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, और अगर शेप इनकी डिफर कर रही है तो उनका साइज भी डिफर करता है, ठीक है? और उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ पॉइंट आप देख रहे हैं सेल्स क्या होती हैं, डिफर करती हैं ग्रेटली साइज, शेप एंड एक्टिविटीज पे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है? एंड सेकंड वन इज दैट कि स्मॉलर सेल कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा, PPLO, ठीक है? वो कितना बहुत ही स्मॉल सेल्स होती है जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है? मतलब कहने का भाव है विदाउट मैग्निफिकेशन, विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप हम इन सेल्स को नहीं देख सकते। बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, इवन आई थिंक 90% बैक्टीरिया जो है वो हमारी खुद की बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं ये। इनकी रेंज मैंने बता रखी है यहाँ पे स्लाइड में, 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड जो सिंगल सेल होती है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच की होती है, ठीक है? और ह्यूमन RBC की सेल की रेंज भी मैंने आपको स्लाइड में दिखाई हुई है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। मतलब देखो, लॉन्गेस्ट है, ब्लड सेल्स भी क्या है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया की सेल से बड़ी हैं हमारी, ठीक है? लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो हमारी बॉडी में कौन सी है, नर्व सेल्स, ठीक है? जो हमारे इम्यूनो सिस्टम की है, नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है ना। एंड शेप ऑफ सेल जो होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द विच फंक्शंस दे परफॉर्मिंग, ठीक है? अब हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। क्लियरली इस इमेज देख पा रहे हैं स्लाइड में, फिगर बने हुए हैं प्लांट सेल के, एपिथेलियल टिश्यू के, ठीक है? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रेड मार्क भी कर रहे हैं फंक्शन ऑफ दी सेल्स, जैसे कि मैंने आपको पहले इमेज में ही वो चीज़ें क्लियर कर दी थी कि क्या फंक्शन है किसका। सेल्स क्या परफॉर्म करती है, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रोल इन अवर बॉडी, ठीक है? जैसे कि अब हम थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल जो है वो कैसे डिफर करती है, स्ट्रक्चरली भी कैसे डिफर करती है, और फंक्शनली तो हमें पता ही है प्लांट सेल तो प्लांट की फॉर्मेशन करती है, एनिमल सेल तो एनिमल की फॉर्मेशन करती है, ठीक है? सेल्स जो है वो डिवाइड करके क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट बॉडी जो है इस तरह से डेवलप होती है। ये सब हमने जो है वो सेल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ठीक है? अब प्लांट सेल्स कैसे डिफर करती है, आप हम आगे जो है स्ट्रक्चर्स में आप क्लियरली इस चीज़ को देख पाएंगे कि प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड होता है, लार्ज सेंट्रल वेक्यूल प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया हुआ है स्लाइड में, आप क्लियरली देख सकते हैं इस चीज़ को। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? जो कि एब्सेंट होते हैं हायर प्लांट सेल्स में। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट एपिथेलियल टिश्यू के बारे में मैंने पीछे स्लाइड में इमेजेस में बताया भी था कि ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को, नर्व सेल्स। फोर्थ पॉइंट, नर्व सेल्स क्या करती है, हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है, जो हमें डिजीज यानी कि बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचाती है। बोन सेल्स जो होती है हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है? और ब्लड सेल्स जो होती हैं वो क्या करती है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। और इसी तरह बहुत देर आर मैनी मोर एग्जाम्पल दैट मेक्स ए लोट ऑफ फंक्शंस इन अवर बॉडी, ठीक है? हम
प्रोक्रियोट यूकैरियोटिक सेल्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सी सेल जो है वो प्रोक्रियोट्स में आती है और कौन सी सेल जो है वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में आती है। जो सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, जो कि ये सब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोक्रियोट्स में आते हैं। ठीक है, प्रोक्रियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामिशियम, ये सभी क्या है, सिंगल सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, जैसा कि आप फर्स्ट केस में यहाँ पे देख ही सकते हैं। ठीक है, क्लियरली करते हैं सेल के टाइप्स की। सेल जो है वो दो टाइप्स की होती है, प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। बात करते हैं प्रोक्रियोटिक सेल्स क्या होती है। आप यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, प्रोक्रियोटिक सेल्स बैक्टीरिया का, प्रोक्रियोटिक सेल्स में क्या आते हैं, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जितने भी स्मॉलेस्ट साइज के जो बैक्टीरिया हैं वो सब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये कहाँ पर आते हैं, प्रोक्रियोटिक सेल्स में आते हैं। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट हैं ये अर्थ पे, इवन हमारी बॉडी में भी। इनके साथ क्या नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट नहीं होता, जैसा कि एनिमल और प्लांट के केस में होता है। हम आगे जो है वो उसमें स्लाइड में, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, हमने पीछे टैबलेटेड फॉर्म में देखा था कि क्या होती है, मोर देन टू सेल्स से जो मिलकर जो बॉडी बनती है वो सभी इसमें आती है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि मैनी सेल्स से जो डेवलप हुए ऑर्गेनिज्म है उनको बोलते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, जो सभी किसमें आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं उनको। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। हमने पीछे बैक्टीरिया की सेल में क्या देखा था कि कोई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ एक न्यूक्लियोइड था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ट्रू एनिमल सेल्स। ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों किस में आ रही हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये दोनों ही, बट कुछ सेल ऑर्गेनल्स के वजह से ये डिफर कर रही हैं एक दूसरे से। ठीक है, एनिमल सेल में आप क्या देख रहे हैं, हमने लार्ज साइज के वैक्यूल देखे थे, इसमें क्या है, अब हम एक मैंने आपको यहाँ पे एक टेबलेटेड फॉर्म में बेसिक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं प्रोक्रियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के। प्रोक्रियोटिक सेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट क्या है हमारा, प्रोक्रियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्स से इवॉल्व हुए ऑर्गेनिज्म हैं। एंड सेकेंड क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोक्रियोट्स में हमने क्या देखा था पीछे डायग्राम में कि नो डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, उसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, सिर्फ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है जो कि कंडेंस्ड डीएनए होता है। ठीक है, और यूकैरियोट्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, सभी सेल्स की तरह प्रोक्रियोट्स में भी क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो अंदर की तरह इनफोल्ड हो जाती है। आप थर्ड स्लाइड में ये चीज़ देख पाओगे, उसमें स्ट्रक्चर दी हुई है बैक्टीरिया की, आप उसमें देख सकते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ फोल्डिंग से ही बनी है। मीजोसोम्स क्या होता है, मेन रेस्पिरेटरी साइट है बैक्टीरिया की। ठीक है, एंड यूकैरियोट के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है दूसरी सेल्स की तरह, इसमें भी यूकैरियोटिक के सेल्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सराउंड करती है सेल को, एंड इट इज़ सेलेक्टिवली प्रीमेबल होती है। प्रीमेबल होती है मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट आयंस है जो सेल्स को रिक्वायर्ड है सिर्फ उन्हीं को जाने देती है, अदरवाइज जो है इसमें बैरियर्स कुछ प्रोटीन लगे होते हैं जो स्टॉप कर देते हैं अननेसेसरी मॉलिक्यूल्स को पास ऑन नहीं होने देते सेल के अंदर। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, सब सेलर ऑर्गेनिज्म मीन्स सेल के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमने देखे थे ना, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, जैसा कि हमने प्लांट और एनिमल सेल के केस में देखा था, लेकिन बैक्टीरियल सेल्स में ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोक्रियोटिक सेल्स के अंदर, बट इन यूकैरियोटिक
के केस में ये सभी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हमने एनिमल और प्लांट सेल पीछे डायग्राम में भी देखा है। आप डायग्राम से ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं अपने माइंड में। फोर्थ पॉइंट क्या है, सेल वॉल जो होती है प्रोक्रियोट्स की किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन की यहाँ पे मैंने कंपोजिशन जो है वो ब्रैक्ट्स में दिखा रखी है कि वो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं प्लस प्रोटीन से मिलकर जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनती है। ये प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर से बचाती है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक के सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो मेड अप ऑफ प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। क्लियरली थोड़ा ध्यान से इनके डायग्राम से आप ये चीज़ इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल वॉल जो होती है वो मेड अप ऑफ ए सेलुलर्स एंड कुछ जो फंजाई है उनकी जो सेल वॉल है वो किससे, उसमें काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और ये पॉलीसेकेराइडी नेचर होती है, इनका भी सेम फंक्शन होता है प्रोवाइड करना रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू दी सेल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम प्रोक्रियोट के केस में देख रहे हैं क्या है, डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है विदाउट प्रोटीन। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है वो सर्कुलर है, हमने आप बैक्टीरिया के डायग्राम को दोबारा से चेक करके भी देख सकते हैं कि डीएनए जो है इसमें सर्कुलर होता है विदाउट प्रोटीन फोल्ड फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है और हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं, वेल डेवलप्ड डीएनए होता है क्योंकि ये न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस जो वह न्यूक्लियर एनवलप से न्यूक्लियर एनवलप उसके चारों तरफ जो है वो लगा होता है, ठीक है। सो काफ़ी प्रोटेक्टिव है, जो चीज़ प्रोटेक्टिव होगी वो जो चीज़ कॉम्प्लेक्स होगी वो प्रोटेक्टिव इन नेचर तो होगी ही, साथ में उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस तो सॉरी डीएनए तो ऑफकोर्स होगा ही, ठीक है। और प्रोक्रियोटिक सेल्स जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि मैंने पहले बताया था कि बैक्टीरियल सेल्स क्या होती है, स्मॉलर साइज होती है, ये रेंज होती है, हमने पीछे की स्लाइड्स में भी पढ़ा था, आप तो क्लियरली जो है इस टेबलेटेड फॉर्म में अच्छे से देख सकते हैं। और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स है वो लार्जेस्ट इन साइज की होती है, एग्जाम्पल्स एज यू कैन सी एंड रीड कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया हम प्रोक्रियोट्स के केस में स्टडी करते हैं, और फंजाई प्लांट एंड एनिमल जो है हम यूकैरियोट्स के केस में स्टडी करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Keep watching. Thank you.